कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने देखा लाइट रिएक्शन थी, डार्क रिएक्शन थी, उसी के साथ में हमारे अभी जो करंट टॉपिक चल रहे थे वो चल रहे थे डार्क रिएक्शन पे। तो डार्क रिएक्शन में हम लोगों ने C3 प्लांट देखा और C4 प्लांट देखा। आप लोगों ने यदि लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो मैंने हिंदी मीडियम के लिए शूट किया था C3 प्लांट का, तो C3 प्लांट्स में मैंने 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके वही मैंने फ्लो चार्ट के रूप में समझाया, तो आप लोग वहाँ से जाके पढ़ लीजिए यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अदरवाइज आपने इंग्लिश मीडियम का जो कैल्विन साइकिल देखा वो भी सफिशिएंट था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि आपकी रिक्वायरमेंट थी कि मैम हमें थ्योरी भी पढ़ना है, तो वो मैंने थ्योरी है वहाँ पे समझा दी। ये वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए कॉमन रहने वाला है, क्योंकि C3 प्लांट और C4 प्लांट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी, तो अब आपको सिर्फ इसके बारे में डिफरेंस है वो हल्का फुल्का पढ़ना है, और डिफरेंस आपके पास में बुक्स में भी अवेलेबल है, तो आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आज डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। अब ये जो C3 और C4 प्लांट है, तो उसमें यहाँ पे मैंने C3 लिखा है और यहाँ पे मैंने C4, देन मैंने वापस C3 और C4 यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है। तो फर्स्ट स्थायी उत्पाद है वो क्या है, यहाँ पे PGA बन रहा था, तो ये कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था, तो इसका नाम क्या देंगे हम? C3 प्लांट देंगे। इस साइड हम स्थायी उत्पाद स्टेबल प्रोडक्ट की बात करें तो वो क्या है? OAA, जिसको 4 कार्बन वाली संरचना बोलते हैं, इसलिए इस साइकिल का नाम क्या है? C4 साइकिल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि CO2 फिक्सेशन करने के लिए, इसमें CO2 फिक्सेशन सिर्फ एक बार ही होता है, कार्बोक्सिलेशन सिर्फ एक बार ही होता है, लेकिन यहाँ पे CO2 फिक्सेशन कितनी बार होता है? 2 बार होता है, एक बार मेसोफिल में और एक बार बंडल शीट में। उसके बाद में यहाँ पे टेम्परेचर की आवश्यकता कितनी रहती है, तापमान कितना चाहिए? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और इधर चाहिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम बात करेंगे CO2 एक्सेप्टर कौन है, C3 पादप में CO2 को कैच करने का काम कौन कर रहा है? तो CO2 को कैच करने का काम है वो IUBP कर रहा है। और यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे CO2 2 है, उनका फिक्सेशन भी 2 बार होगा, तो इनको कैच करने का काम है वो RUBP और PEP का है, ठीक है? RUBP और PEP है, ये हमारे CO2 एक्सेप्टर रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं C3 प्लांट में हम एक ही टाइप का मेसोफिल पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे क्रेंच एनाटमी है वो नहीं पाई जाती, क्रेंच एनाटमी अब्सेंट, बट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। C4 में हम लोगों ने देखा है क्रेंच एनाटमी होती है। उसके बाद हम बात करें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है वो अब्सेंट होते हैं, मतलब 2 प्रकार के, इनमें कोई द्विरूपता नहीं पाई जाती, ठीक है? लेकिन यहाँ पाई जाती है, यहाँ पे बंडल शीट और मेसोफिल दोनों में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। फिर हम बात करें कि यहाँ पे सिर्फ C3 प्लांट है, वही यहाँ पे क्या करेंगे? C3 साइकिल को शो करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो C4 प्लांट है वो C3 और C4 दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी रूबिस्को प्रेजेंट है, लेकिन रूबिस्को के साथ टैपकेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। तो आई होप यहाँ तक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों में कोई इशू नहीं है कि भाई मैम आपने इंग्लिश में ही वीडियो बना दिया, ये आपकी सारी पढ़ी हुई चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन होता है, O2 का रोल है, तो यहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन होगा, मीन्स प्रकाश श्वसन होगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप का फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता, इसमें प्रकाश श्वसन नहीं होता। यहाँ पे जो सेल टाइप है वो सिर्फ एक ही है, यहाँ पे सेल कितने प्रकार के देखते हैं हम? 2 प्रकार के सेल देखते हैं। तो इस टाइप से हमारे ये जो 10 डिफरेंस है वो बहुत ईजिली कवर हो गए, बहुत ही ज़्यादा ईजी लिखे हैं मैंने। उसके बाद में आप देखें कि यहाँ पे आपको जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन बहुत ही कम होता है, लेकिन C4 पाथवे में ग्लूकोज का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर आप देखें यहाँ पे लो टेम्परेचर में मोर प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब कम टेम्परेचर चाहिए लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या होगी? हाई। उधर टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई। तो मोर टेम्परेचर इज इक्वल टू मोर प्रोडक्ट, यदि ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो ज़्यादा तापमान की आवश्यकता है, इधर तापमान की आवश्यकता क्या है? कम है। उसके बाद में एक CO2 के अपचेन के लिए, रिडक्शन के लिए यहाँ पे 3 ATP और 2 NADPH2 चाहिए था। अब उधर की तरफ हमने देखा 3 ATP और 2 NADPH2 तो है ही, लेकिन 2 ATP और ऐड हो जाते हैं इसके अंदर, और साइकिल ये कितने कितने बार चलने वाले हैं? 6-6 बार चलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 CO2 के रिडक्शन के लिए 18 ATP और 12 NADPH2, और यहाँ पे 6 CO2 के रिडक्शन के लिए यहाँ पे क्या होगा? 30 ATP और 12 NADPH2, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे ओवरऑल कि ओवरऑल एक ग्लूकोज के लिए हमें कितने ATP के
आवश्यकता होती है हम लोगों ने देखा NADPH2 है वो कितना होता है, एक NADPH2 is equal to 3 ATP, तो यहाँ पे एक ग्लूकोज के लिए कितने हो जाएंगे 54 ATP, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 54 तो है ही, 12 और ऐड कर दो तो यहाँ पे 66 ATP हो जाएंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट एक्सेप्टर जो कार्बन है, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं RUBP के बारे में कि RUBP है ये कितने कार्बन वाली स्ट्रक्चर है, तो कितने कार्बन की स्ट्रक्चर है 5 कार्बन की, और यहाँ पे PEP है वो कितने कार्बन की स्ट्रक्चर है ओनली 3 कार्बन की, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद में मैंने एग्जाम्पल भी आपसे डिस्कस किए थे, वीट बार्ले या ओल हम फोटोसिंथेटिक प्लांट बोले, मतलब जितने भी प्रकाश संश्लेषी पादप हैं उनमें क्या पाया जाता है C3 साइकिल पाया जाता है, लेकिन C4 खाली मोनोकोट्स में होता है, कुछ डाइकोट्स में भी, मैंने आपको बताया मेज और सुगर केन, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं मक्का और यहाँ गन्ना, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों ने यदि डिफरेंस है वो आपको इजीली ऐसे ही समझ में आएंगे, यदि आपको C3 साइकिल और C4 साइकिल है वो बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ है, इसलिए मैंने ये सिर्फ एक रिविजन वीडियो हो गया आपका C3 और C4 का। देन हम लोग लास्ट बात करने वाले हैं CAM साइकिल के बारे में, तो शायद यहाँ पे आपके सिर्फ दो टॉपिक बचते हैं CAM और फोटो रेस्पिरेशन, तो आपके कल तक ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। तो थैंक यू।